फिर क्रूड ऑयल $100 के ऊपर है, इसका असर आपकी और हमारी जेब पर भी आ रहा है। एयरलाइंस ने बीते 2 महीने में दूसरी बार टिकट महंगा कर दिया है। हरा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ चुके हैं। सौमित, कितनी महंगी हुई है टिकट? लगभग सारी मेजर एयरलाइन कंपनीज़ ने टिकट प्राइस हाइक किया और ये दूसरा हाइक हुआ है पिछले 2 महीनों में। अगर आप देखते हैं तो जो फर्स्ट मेजर हाइक हुआ था वो मार्च 2022 में हुआ था और अब मई 2022 में ये दूसरा बड़ा हाइक आया है। अब अगर आप 7 डे फॉरवर्ड के रेट्स अगर देखते हैं तो उसके टिकट प्राइजेस जो है वो 8-11% से हाइक कर दिए गए हैं, और 2 मंथ फॉरवर्ड की अगर आप बुकिंग करते हैं तो उसके जो टिकट प्राइजेस है वो हाइक हुए हैं अराउंड 11-17%। अब ये टिकट प्राइजेस आज के दिन पर चेक किए थे तो 7 डे फॉरवर्ड मतलब मई 2020 का टिकट प्राइजेस है, 2 मंथ फॉरवर्ड मतलब जुलाई 12th के टिकट प्राइसेस को हमने चेक किया है। अब अगर आप देखते हैं तो मार्च 2021 में जो पहला टिकट प्राइस हाइक हुआ था, मेजर टिकट प्राइस हाइक, तभी 7 डे फॉरवर्ड जो टिकट प्राइसेस थे वो करीब 10-23% से बढ़ा दिए गए थे, और 2 मंथ फॉरवर्ड जो टिकट प्राइसेस थे वो 50-160% से बढ़ा दिए गए हैं। तो इस वक्त का टिकट प्राइस हाइक कम हुआ है बट सेकेंड कंसेक्यूटिव हाइक हुआ है पिछले 2 महीनों में। अब जो रूट्स है जिसमें सबसे ज़्यादा मेजर हाइक दिखा है बोथ फ्रंट्स में, जो कि 7 डे और 2 मंथ फॉरवर्ड है, वो है चेन्नई दिल्ली, दिल्ली मुंबई, दिल्ली पुणे और दिल्ली कोलकाता। अब जो रीज़न इस हाइक के पीछे है वो काफ़ी ऑब्वियस सा है, वो है कि जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुके हैं वो पास ऑन करने के लिए। अगर आप देखते हैं ईयर टू डेट तो ब्रेंट क्रूड करीब 41% से बढ़ चुका है और जो डोमेस्टिक ATF प्राइसेस है वो 58% से बढ़ चुके हैं ईयर के स्टार्ट से लेके अब तक। अब ये हाइक जो हो रहा है टिकट प्राइसेस में वो एयरलाइन कंपनीज के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि वो कंज्यूमर्स को भी पास ऑन कर पा रहे हैं इंक्रीज इन कॉस्ट, जिनके वजह से उनकी जो मार्जिन है वो मेंटेन रह सकती है। बट ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि आगे जाके डिमांड कैसे पैन आउट करता है और कंज्यूमर्स कैसे रिएक्ट करते हैं ये प्राइस हाइक के होने के बाद।